अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कस्टमाइज स्किन पॉलिश क्रीम। आज मैं आपके साथ अपने पार्लर का एक सीक्रेट शेयर करूंगी कि हम अपने पार्लर पर बाज़ार जैसी स्किन पॉलिश क्रीम कैसे बनाते हैं। जी तो आपने आज ये सारा मेथड एंड तक देखना है कि मैं स्किन पॉलिश क्रीम कैसे घर पे बनाती हूँ, अपने पार्लर पे बनाती हूँ। ये स्किन पॉलिश मेरे पास डैनबिस की है जो बनी बनाई मार्केट में होती है। इसका मेथड आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ स्किन पॉलिश क्रीम घर पर। उसके लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसके लिए क्लिंज़र आप जो भी आपके पास मौजूद है आपने वो ले लेना है। सबसे पहले एक कांच का बाउल आपने लेना है, एक बड़ा चम्मच लेना है टेबल स्पून और एक टीस्पून लेना है छोटा चम्मच, ठीक है। क्वांटिटी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने ये क्रीम कैसे बनानी है, ठीक है। उसके लिए आपको एक चाहिए होगा क्लिंज़र। क्लिंज़र आपके पास जो भी है आप वो ले लें, मेरे पास डैनबिस का है तो मैं वही ले रही हूँ, ठीक है। आपने लेना है एक चम्मच भर के क्लिंज़र का, एक चम्मच भर के आपने क्लिंज़र का लेना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्किन पॉलिश क्रीम आपकी बन जाएगी जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं। इसे आप बना के 3 से 4 महीने के लिए रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसे 1 महीने के लिए बना के डब्बा भर के रख लें। मैं एक चम्मच के हिसाब से आपको बता रही हूँ, आपने शुरू में एक चम्मच ही बनानी है, ठीक है। आपने ये बना के भर के रख लेना है। उसके बाद आपने लेना है वाइटनिंग पाउडर। मेरे पास यहाँ पे सॉफ्ट टच का वाइटनिंग पाउडर है, आपके पास जो भी मौजूद है आपने वो ले लेना है। एक चम्मच आपने भर के बड़े वाला लिया था क्लिंज़र का, अब आपने एक बिल्कुल छोटे वाला चम्मच टीस्पून जो होता है वो हमने लेना है वाइटनिंग पाउडर का। तो क्वांटिटी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इसकी हमने करनी है मिक्सिंग बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने ये दोनों चीज़ें डाल ली हैं, ये सॉफ्ट टच का वाइटनिंग पाउडर है, आपके पास जो भी मौजूद है आप वो ले लें। आपके पास कोई करवाने आता है क्लिंजिंग भी, जैसे कि आपके पार्लर में कोई क्लिंजिंग भी करवाने आता है, तो आप इसका एक मसाज दे दें स्किन पॉलिश क्रीम का, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा आपका। मिक्सिंग आपने इसकी करनी है बहुत ही अच्छी तरीके से। मिक्स करके आपने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के लिए जब आप इसे छोड़ देंगे उसके बाद देखेंगे तो इसका टेक्सचर बिल्कुल उसी क्रीम की तरह हो जाएगा जो हम बाज़ार से स्किन पॉलिश लेते हैं, बिल्कुल वैसी ही ये हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये मैंने मिक्सिंग इसकी कर ली है जी। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्किन पॉलिश की शक्ल की हो गई है। इसमें मैंने डाला था क्लिंज़र एक चम्मच भर के, मैं एक चम्मच के हिसाब से बता रही हूँ आपको, ये बड़ा चम्मच मैंने लिया था, ये भर के हमने डालना है। वाइटनिंग पाउडर हमने लेना है, वो हमने लेना है छोटी चम्मच टीस्पून, वो एक हमने इसमें डाल देनी है और इसे अच्छी तरीके से हमने करना है मिक्स। मिक्स करके हमने 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 10 मिनट बाद जब हम इसे देखेंगे तो ये हमारी बिल्कुल बाज़ारी स्किन पॉलिश बन जाएगी। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़बरदस्त स्किन पॉलिश है। आपने आपके पास अगर कोई क्लिंजिंग करवाने आता है, अगर आपका पॉलर है, अगर आपका पॉलर नहीं भी है तो आप घर में भी क्लिंजिंग करते हैं तो आप ये इसका एक मसाज देंगे, आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी अब स्किन पॉलिश रेडी है, बाज़ार जैसी स्किन पॉलिश। अब मैं आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ। आपने ऐसे जैसे आप क्लिंजिंग करते हो इस तरीके से आपने इसे लगा लेना है, अपने हाथों पे, पैरों पे, फेस पे, कहीं पे भी आप लगाएं, हाथों पे, पाँव पे, फेस पे, तो आपने इसे लगा लेना है। और ये आपने ख्याल रखना है क्योंकि आपको पता है इसमें वाइटनिंग पाउडर भी है, तो आपने इसे आँखों के करीब बिल्कुल भी नहीं लगाना। इस स्किन पॉलिश को आपने आँखों के करीब बिल्कुल नहीं लगाना, अच्छी तरीके से पूरे फेस पर आपने इसको लगा लेना है। लगा के आपने फिर इसका मसाज करना है। मसाज का तरीका आपको पता है, सर्कुलर मोशन में ही आपने करना है, नीचे की तरफ स्किन को नहीं करना है बिल्कुल भी, ऊपर की तरफ मसाज करना है। 10 से 15 मिनट तक आपने इसका मसाज देना है।
और इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग घर पे नॉर्मल जैसे क्लिंजिंग करते हैं तो आप इसका मसाज लाजमी लिया करें। यह आपकी बाज़ारी स्किन पॉलिश तैयार है। 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसे छोड़ देना है और फिर हल्के हाथों से मसाज करके आपने इसे साफ़ कर देना है। अभी आप रिज़ल्ट देखेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर ही लगाया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम कम था, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बता दिया है कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है इसे। जी, तो मैंने अच्छी तरीके से इसे साफ़ कर लिया है। ये आप बना के रख लें, डब्बा भर के रख लें। शुरू में आप 1 चम्मच से बनाएं, आप देखें आपकी ठीक बनती है तो फिर आप बना के 1 महीने के लिए रख लें। ये मेरे पास है डैनबिस की बाज़ारी स्किन पॉलिश और ये वो है जो मैं अपने कॉलर पे बनाकर रखती हूँ। ठीक है, मेथड मैंने आपको सारा बता दिया है, क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, आपने इसी तरीके से बनानी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोगों ने लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दुआओं में रखिए, याद दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।